राजधानी राजधानी राजधानी। अरे मैम क्या होगी वहां से भी पूरे एक मिनट रही हो बात नहीं। बीजेपी की दूसरी दूसरी भाई है ना माले यार। देश भर के संगठन में एमआईएम साथ में नहीं है और एमआईएम ये किसान आंदोलन के साथ में नहीं होने की वजह से एमआईएम को यहाँ पर साथ में नहीं लिया गया है। ऐसा ऊपर से हम लोगों को सबके सभी को कहा गया है। 3 साल पहले नासिक से होके मुंबई में पैदल चले गए उन्हीं किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली जा रहा है। एक धुलिया नंदुरबार और जलगांव यहाँ से कल 2000 किसान जो है वो प्रतिभा दाई शिंदे के नेतृत्व में वो मुंबई जा रहे। कुछ लोगों का कहना है ये उनका ऐसा है कि दिल्ली है इस देश का कैपिटल तो मुंबई जो है वो कॉरपोरेट और मीडिया का उनके मुख्य ऑफिसेस का एक कैपिटल बन चुका है और इस देश की आर्थिक राजधानी भी मुंबई है। तो अगर मुंबई में भी इस तरह का धरना अगर आंदोलन इसमें हुआ शहर के तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि वो कोविड में जिस तरह से हम लोगों ने अपना जज्बा दिखाया और इंसानियत की एक नए पहचान हमने बनाई और उसको कायम की उसी तरह सभी लोग जो जो लोग अपना जो जो देना चाहते हैं वो इस आंदोलन के साथ के कोई वक्त दे कोई उस ये आंदोलन चले इसके लिए धान फूल फल फूड जो कुछ भी कर सकते हो वो दे उनका इस्तकबाल मालेगांव शहर में अच्छी तरह हो क्योंकि हमने बेवजह थाली बजाई बेवजह दिले दिए जलाए तालियां बजाई और उससे तो ये अन्नदाता का किसानों का समर्थन करने के लिए क्या हम फूल भी नहीं मालेगांव शहर के बरसात सड़ते हो गया। तो हम लोगों ने इस तरह का इस्तकबाल चौक चौक में या जिस रास्ते से भी ये जुलूस निकले ये तो उस जुलूस को अच्छी तरह से मालेगांव शहर के लोग साथ में है मालेगांव का तबका साथ में है मालेगांव का कुंबा साथ में है ये एक दिखाने की कोशिश है। किसान नहीं रहेगा तो भारत देश नहीं रहेगा क्योंकि किसान अगर खेती ना करे और किसान के ऊपर ये कायदे अगर उन्होंने अगर पास करा दिए तो हमारी ये काफी दिक्कतें होंगी। जो अनाज हम 18 से 20 रुपए ला रहे हैं वो हमें खुद 35 से 40 रुपए खरीदना पड़ेगा और हमारा जो कारोबार है ये किसानों से ही जुड़ता है। तो मालेगांव शहरियान से और सभी से मेरी गुजारिश है कि किसान आंदोलन में सभी किसानों का भरपूर साथ दे और उनका हौसला अफजाई करें। जो किसानों ने इस देश में जो आंदोलन खड़ा किया है जो इस देश के जो गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट जो इस देश में मजदूर हो किसान हो या बिगर सेक्शन के सारे लोग इनको दबाना चाहती है खत्म करना चाहती है और इस देश को चुनिंदा कॉर्पोरेटों के हाथ में देना चाहती है तो उसके खिलाफ आज किसान खड़ा हुआ है और किसान की ये संघर्ष यात्रा नासिक मालेगांव से होते हुए दिल्ली जाने वाली है। इसलिए हम मालेगांव के तमाम पार्टी के लोग जिसमें से प्रमुख कांग्रेस राष्ट्रवादी जनता दल शिवसेना बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कम्युनिस्ट के सीपीएम सीपीआई के ये सारे लोग ये सारे लोग इस संवाद यात्रा का स्वागत करने वाले हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए गांव में एक जुलूस के रूप में निकलने वाले हैं और एक जनसभा में सारे लोग इस समर्थन के लिए अपनी बात भी रखने वाले हैं। तो इसके लिए इस संवाद किसान संवाद यात्रा का सब लोगों में प्रचार प्रसार हो सब लोगों को मालेगांव के लोगों को मालूम पड़े और बड़े पैमाने पर इसको हिमायत मिले इस यात्रा को इसलिए आज की पत्रकार परिषद आयोजित की गई है और इस पत्रकार परिषद में उर्दू मीडिया सेंटर में उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधु
और यहाँ पे उपस्थित सारी पार्टियों के जिम्मेदार इनके तौर से मीडिया बंधुओं का यहाँ पे शुक्रिया अदा व्यक्त किया जाता है।